नमस्कार दोस्तों जैसा आप सभी को पता है कि आय दृष्टि की जो बहुत प्रतीक्षित बुक थी जो करंट के लिए हम लोग यूज करते हैं पीसीएस एग्जाम से जस्ट पहले तो उसकी कुछ पेजेस लगभग सत्रह पेजेस फ्री में मृष्टि ने अवेलेबल कराई है इंग्लिश मीडियम में तो हम लोग देर क्यों करें इस देर को न करते हुए हम लोगों ने क्या किया कि, कि उसके पेजेस जो भी था उसको हम लोगों ने डिस्कस कर दिया तो इस वीडियो में जो ये वीडियो है इसमें आप लोग वही देखेंगे उस सत्रह पेजेस का डिस्कशन देखेंगे इसके अलावा जैसे ही पूरी पीडीएफ आती है तो सबसे पहले गौरव सर ठीक है पूरे कुछ पीडीएफ को जब पांच घंटे छह घंटे सात घंटे जितना देर भी लगे उसमें पूरा क्या करेंगे वो एमसी क्यू के माध्यम से आप लोग से डिस्कस कर देंगे और जैसे वो खत्म करते हैं फिर हिंदी इंग्लिश हर माध्यम में हर माध्यम में हम लोग जैसे जैसे पीडीएफ मिलते जाएगी हम लोग अवेलेबल अवेलेबल कराते जाएंगे आप लोग उसको वीडियो तो वीडियो के लिए इधर उधर आप लोग को इस बार भटकने की बिल्कुल जरूरत नहीं है टू द पॉइंट पीवाई क्यू के बेसिस पे जो जैसे प्रश्न पैटर्न पे पूछे जाते हैं उस पैटर्न पे आप लोग को कवर कराई जाएगी दृष्टि और यूपीएससी हिंदी के प्लेटफॉर्म पे ही कवर कराई जाएगी तो एकदम परेशान होने की जरूरत नहीं है अभी सत्रह पेजेस आए हैं वीडियो में देखिए वीडियो का कंटेंट कैसा है वीडियो का रिव्यू दीजिए और ये भी बताइएगा आप लोग को कि जैसे आप लोग को पी मिल जाती है हम में से किसी को भी यूपीएससी हिंदी एडमिन में से किसी को भी उसकी पीडीएफ शेयर करिए ताकि जल्द से जल्द आप सभी को ये क्लासेस प्रोवाइड की जा सके तो वीडियो पूरी देखिए और रिव्यू में बताइए कि कैसा लग रहा है आप सभी को हमारा ये इनिशिएटिव नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका यूपीएससी हिंदी के स्टडी प्लेटफॉर्म में जैसा कि आपको बता ही दिया गया है कि घटना चक्र का जो पहला प्रीफेस है वो चीज़ें कुछ पेजेस जो फ्री में आए हैं वो सैम्पल पेजेस हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर देते हैं और जैसे ही बुक आएगी हम लोग पूरी घटना चक्र कवर करने वाले हैं आपको पहले से पता है ठीक है तो पॉइंट टू रिमेंबर की जो इंग्लिश वर्जन है वो हम लोग के पास यहाँ पर है और इसको आप भी ले सकते हैं घटना चक्र के ऐप से तो डायरेक्टली हम लोग शुरू करते हैं बिना किसी बकवास के ठीक है तो विच इनिशिएटिव वॉज लॉन्च टू एम्पावर वुमेन एंड फाइट माल न्यूट्रिशन थ्रू डेयरी कोऑपरेटिव्स तो ऐसा कौन सा इनिशिएटिव है जो कि महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए और जो माल न्यूट्रिशन होता है कुपोषण होता है उससे लड़ने में डेयरी कोऑपरेटिव्स ने शुरू किया है तो उसका नाम है वाइट रिवोल्यूशन 2.0 ठीक है सफ़ेद क्रांति श्वेत क्रांति 2.0 नेक्स्ट है हु लॉन्च स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स एस ओ पीज ऑन वाइट रेवोल्यूशन टू पॉइंट ओ एंड कॉपरेशन अमंग कॉपरेटिव सितंबर उन्नीस दो हजार चौबीस को किसने ये चीज़ लॉन्च की है तो यूनियन मिनिस्टर अमित शाह ने यह लॉन्च किया है यह भी पॉइंट आप लोग याद रखेंगे ठीक है नेक्स्ट न्यूज है विच ग्लोबल इवेंट वो कौन सा वैश्विक इवेंट uh, है विल होस्ट विल इंडिया होस्ट फ्रॉम फिफ्थ टू नाइन्थ फेब टू थाउजेंड ट्वेंटी फाइव टू बूस्ट इट्स मीडिया एंड इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री तो अपनी मीडिया और इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को बूस्ट करने के लिए इंडिया पहला कौन सा ग्लोबल इवेंट होस्ट करने जा रही है पांच से नौ फरवरी के बीच में तो इसका नाम है वेब्स समिट ठीक है काफी इंपॉर्टेंट है याद रखेंगे अगला है हु लॉन्च मार्गदर्शिका फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेंथनिंग ऑफ टू लैक्स न्यू एम पी ए सी एस डेरी एंड फिशरीज कोऑपरेटिव तो ये लॉन्च हुआ है यूनियन होम मिनिस्टर एंड मिनिस्टर ऑफ कोऑपरेशन अमित शाह के द्वारा अब ये समझ लेते हैं कि एम क्या है तो इसका अर्थ है मल्टीपर्पज प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज ठीक है तो ये भी याद रखेंगे नेक्स्ट न्यूज़ जो इस बुक में दी हुई है वो है कि विच स्कीम इज डिज़ाइन टू फॉस्टर इनोवेशन प्रमोट बायो ऑन्टरप्रीनोरशिप एंड स्ट्रेंथन इंडियाज़ पोजिशन एज ए ग्लोबल लीडर इन बायो मैन्युफैक्चरिंग एंड बायो टेक्नोलॉजी 18 2024 को ये चीज़ हुई तो वो हुआ है बायो राइड के द्वारा तो वो जो स्कीम है योजना है वो है बायो राइड जहां पर जो राइड है उसका फुल फॉर्म है आपका रिसर्च इनोवेशन एंड ऑन्टरप्रन्योरशिप डेवलपमेंट ठीक है तो ये न्यूज़ एक बार हिंदी में भी मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि नवाचार को बढ़ावा देने के लिए ये वाली न्यूज है नवाचार को बढ़ावा देने के लिए जैव उद्यमिता को बढ़ावा देना और जैव विनिर्माण और जैव प्रौद्योगिकी में वैश्विक नेता के रूप में या वैश्विक अगुआ के रूप में भारत की स्थिति को मजबूत करने के लिए कौन सी योजना तैयार की गई है जिसका नाम है बायो राइड ठीक है अगला देखते हैं यहां पर जो न्यूज है अगला वन लाइनर न्यूज़ है फॉर इंप्रूविंग द सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन मतलब सामाजिक आर्थिक स्थिति में इम्प्रूवमेंट करने के लिए उसको सुधार करने के लिए ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज़ जो भी जनजातीय आपकी जातियाँ हैं ठीक है थीके? या समुदाय हैं विच स्कीम वाज अप्रूव्ड विद टोटल आउटलेट आउटले ऑफ सेवेंटी करोड़ ठीक है outlet, 79, crore, तो कौन सा ऐसा स्कीम है जो कि यासी हजार एक सौ छप्पन करोड़ के साथ ट्राइबल कम्युनिटी जनजातीय समुदायों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए लॉन्च की गई है इस स्कीम का नाम है प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान ठीक है नेक्स्ट न्यूज हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि विच सिटी विल होस्ट द मॉडिफाइड टू कॉमनवेल्थ गेम्स वो कौन सा शहर है जो कि संशोधित 2026 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी करेगा तो उस शहर का नाम है ग्लासगो तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ग्लासगो जो है वो स्कॉटलैंड का एक शहर है चलिए अगला है हाउ मेनी कंट्रीज अब स्टेंड फ्रॉम द यू जनरल असेंबली रेजोल्यूशन अर्जिंग इसराइल टू एंड इट्स ऑक्यूपेशन ऑफ पैलेस्टीनियन टेरिटरीज तो तिरालीस कंट्री ऐसी थी दोस्तों जो कि उस प्रस्ताव से बाहर रहीं या अपस्टेन कर दी उसको छोड़ दी जिसमें इजराइल से फिलिस्तीनी क्षेत्रों पर अपना कब्जा खत्म करने का आग्रह किया गया था ठीक है तो हाउ मेनी कंट्रीज अपस्टेंड कितनी बाहर रहीं यूएन जनरल असेंबली के रेजोल्यूशन पे जो कि अर्ज करता था कि इसराइल टू इट्स एंड टू एंड इट्स ऑक्यूपेशन ऑफ पेलस्तिनियन टेरिटरी जो कि फेलेतीन पर जो इसराइल का कब्जा है उसको ख़त्म करने की गुहार लगा रहा था तो ऐसी तिरालीस कंट्रीज थी जो इस रेजोल्यूशन से बाहर रहीं तो ये भी याद रखिएगा अगला है कैबिनेट अप्रूव्ड विच इंस्टीट्यूट टू बी एस्टेब्लिश फॉर एनिमेशन विजुअल इफेक्ट्स गेमिंग कॉमिक्स एंड एक्सटेंडेड रियलिटी यानी कि ए वी जी सी एक्स आर ऑन लाइन्स ऑफ द आई आई टीज एंड आई आई एम तो सितंबर की न्यूज़ है कह रहा है कि कैबिनेट ने आईआईटी और आईएम की तर्ज पर एनिमेशन विजुअल इफेक्ट्स गेमिंग कॉमिक्स और एक्सटेंडेड रियलिटी के लिए किस संस्थान की स्थापना को मंजूरी दी है तो उसका नाम है एन यानी कि नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस तो ये भी पॉइंट याद रखेंगे अगला है फूड इम्पोर्ट रिजेक्शन अलर्ट दैट इज फीरा फूड इम्पोर्ट रिजेक्शन अलर्ट्स पोर्टल वॉज लॉन्च्ड ड्यूरिंग तो जो आपका खाद्य आयात अस अलर्ट पोर्टल है वो किसके दौरान लॉन्च किया गया तो सेकंड ग्लोबल फूड रेगुलेटर समिट 2024 सेकंड ग्लोबल फूड रेगुलेटर समिट जो हुई है यानी कि दूसरा वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन 2024 के दौरान इसको लॉन्च किया गया है अगली न्यूज़ है सेकंड ग्लोबल फूड रेगुलेटर समिट 2024 वाज होस्टेड बाय किसके द्वारा ये द्वितीय वैश्विक खाद्य विनियामक शिखर सम्मेलन लॉन्च मतलब वो किया गया मेजबानी किसके द्वारा की गई होस्ट किसके द्वारा किया गया तो फसाई के द्वारा किया गया तो फसाई का फुल फॉर्म है फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ठीक है नेक्स्ट न्यूज़ दोस्तों देखते हैं कि हु टेकन ओवर द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ द नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो दैट इज़ एन किसने नए डायरेक्टर जनरल के तौर पर शपथ ली है एन यानी कि नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के की जो डिपार्टमेंट है उसका तो अनुराग गर्ग वो व्यक्ति हैं जिन्होंने एनसीबी के नए डायरेक्टर जनरल के रूप में शपथ ली है ठीक है अगली न्यूज देखते हैं वन लाइनर की जो कि पॉइंट टू रिमेंबर में आपको मिलेगी हिंदी वाले मैगजीन में भी अभी हम लोग इंग्लिश की मैगजीन घटना चक्र की जो लेटेस्ट है वो कवर कर रहे हैं ठीक है थीके? अगला है कि ब्लू क्राफ्ट डिजिटल फाउंडेशन हैज लॉन्च्ड विथ न्यू फेलोशिप प्रोग्राम टू इनकरेज राइटिंग एंड क्रिएटिव टैलेंट्स तो इसका जो उत्तर होगा वो है विकसित भारत फेलोशिप प्रोग्राम ठीक है समझ लेते हैं कि प्रश्न क्या था एक बार हिंदी में भी कि लेखन और रचनात्मक प्रतिभा को प्रोत्साहित करने के लिए एक नया फेलोशिप प्रोग्राम आया है जिसे ब्लू क्राफ्ट डिजिटल फाउंडेशन के द्वारा शुरू किया गया है ठीक है तो ये प्रोग्राम है विकसित भारत फेलोशिप कार्यक्रम ठीक है यह प्रोग्राम अगली न्यूज यहां पर देखते हैं दोस्तों अगली जो न्यूज़ है वन लाइनर की वो है विच इंस्टीट्यूट हैज़ अनाउंस्ड द डेवलपमेंट ऑफ एन इंटीग्रेटेड ओशियन एनर्जी एटलस ऑफ द इंडियन ई जेड दैट इज एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन हिंदी में अगर इसी की बात की जाए तो कौन सा संस्थान है जिसने भारतीय ई ई जेड यानी कि विशेष आर्थिक क्षेत्र के लिए एक इंटीग्रेटेड यानी कि एकीकृत महासागर ऊर्जा एटलस विकसित करने की घोषणा की है तो उसका नाम है इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज यानी कि आई इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र जिसको बोलते हैं उसने इंटीग्रेटेड ओशियन एनर्जी एटलस शुरू करने की घोषणा की है भारतीय ईई जेड के लिए ठीक है एकीकृत महासागर ऊर्जा एटलस विकसित करेगा ये अगला जो लाइनर न्यूज है वो है व्हाट इज द नेम ऑफ द ऐप लॉन्च बाई यूनियन मिनिस्टर फॉर फिशरीज राजीव रंजन सिंह टू सपोर्ट इंडियाज़ ऑर्नामेंटल फिशरीज सेक्टर तो कौन सा ऐप है जो कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ फॉर फिशरीज़ जो है राजीव रंजन सिंह उन्होंने लॉन्च किया है किसको सपोर्ट करने के लिए तो सजावटी मत्स्य पालन क्षेत्र को समर्थन देने के लिए यानी कि इंडिया के ऑर्नामेंटल फिशरीज सेक्टर को बूस्ट करने के लिए या सपोर्ट करने के लिए तो उसका नाम है रंगीन मछली ये सितंबर 12 2024 में लॉन्च हुआ है ठीक है तो रंगीन मछली ऐप का नाम है कुछ और मत सोचिएगा रंगीन मछली ऐप का नाम है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज़ के राजीव रंजन सिंह ने सपोर्ट करने के लिए जो भारतीय सजावटी फिशरी सेक्टर है मत्स्य क्षेत्र है उसको सपोर्ट करने के लिए रंगीन मछली ऐप लॉन्च किया है अगला है लापता लेडीज़ तो लापता लेडीज़ अगर आप लोगों ने देखी है तो समझ में आ रहा होगा बढ़िया एक मूवी है जिसमें हमारे गोरखपुर के जो सांसद हैं रवि किशन महोदय उन्होंने भी एक्टिंग की है और बहुत ही शानदार मतलब ठीक ठाक अच्छी मूवी कही जाएगी उसको तो लापता लेडीज़ बिकम इंडियाज़ ऑफिशियल एंट्री फॉर द बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म कैटेगरी एट द नाइन्टी एकेडमी अवार्ड तो एकेडमी अवार्ड को ही ऑस्करस कहते हैं जो ऑस्कर अवार्ड बोलते हैं उसको एकेडमी अवार्ड बोलते हैं ठीक है ठीके? तो आ, 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 बोलते हैं इट वॉज डायरेक्टेड बाई किसके द्वारा डायरेक्ट की गई है तो किरण राव के द्वारा डायरेक्ट की गई है ध्यान देंगे दोस्तों लापता लेडीज एक मूवी का नाम है जिसको इंडिया के तरफ से आधिकारिक रूप से प्रवेश मिला है किसमें बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म कैटेगरी में मिला है संतानवेवें एकेडमी अवार्ड ऑस्कर तो किरण राव ने इस फिल्म को डायरेक्ट किया है इसलिए ये चीजें भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं अगला जो प्रश्न हम लोग यहां पर देख रहे हैं वो देख रहे हैं डीआरडीओ के बारे में तो डीआरडीओ सक्सेसफुली टेस्ट फायर द वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल फ्रॉम तो एक सरफेस टू एयर मिसाइल है जिसको तो इसका परीक्षण किया गया है इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज आईटीआर एट चांदीपुर उड़ीसा कोस्ट से अर्थात उड़ीसा तट पर जो एकीकृत परीक्षण रेंज है वहां से डीआरडीओ ने वी एल यानी कि वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का परीक्षण किया है डीआरडीओ के बारे में बात करें तो डीआरडीओ की स्थापना 1958 में हुई थी और न्यू दिल्ली इसका है। है? ठीक चलिए अगली खबर पर चलते हैं फिफ्थ एडिशन ऑफ इंडिया ओमान ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज अल नजाह काफी इंपॉर्टेंट रहेगा ये एक्सरसाइज याद रखेंगे दोस्तों अल नजाह वॉज सक्सेसफुली कंडक्टेड एट तो पांचवा जो एडिशन है अल नजाह का जो कि संयुक्त सैन्य अभ्यास है भारत और ओमान के बीच में उसका सफलतापूर्वक आयोजन किया गया है कहाँ किया गया है तो तेरह से छब्बीस सितंबर में रबकूट ट्रेनिंग एरिया इन सलालाह ओमान ठीक है ओमान में सलालाह है एक क्षेत्र जहाँ पर रबकूट ट्रेनिंग एरिया पड़ता है तो वहीं पर भारत और ओमान के बीच में एक संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ है जिसका नाम है अल नजाह और यह पांचवा एडिशन है यानी कि पांचवा संस्करण है इसका अगला जो वन लाइनर न्यूज दी हुई है पीटीआर में वो है आपके सामने द यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड मिशन मौसम ठीक है क्या मिशन है मिशन मौसम टू इंप्रूव एक्यूरेसी इन फोर कास्ट एंड न्यू कास्ट विद द आउटले ऑफ रुपीज टू थाउजेंड करोर फॉर द फर्स्ट फेज़ रनिंगटिल सितम्बर ग्यारह दो हज़ार चौबीस तक की न्यूज़ है तो ये जो फर्स्ट फेज़ है वो चलेगा आपका मार्च दो हज़ार छब्बीस तक एक बार हिंदी में भी सेम चीज़ हम लोग समझने की कोशिश करते हैं जितना मैं हिंदी में इसको ट्रांसलेट कर पाऊंगा कि uh, भारतीय जो कैबिनेट है यूनियन कैबिनेट है उसने मिशन मौसम की मंजूरी दी है या उसको शुरू किया है उसके पहले चरण के लिए 2000 करोड़ रुपए का परिव्यय भी रखा गया है और यह क्या करेगा कि पूर्वानुमान करेगा और पूर्वानुमान में सटीकता का सुधार करेगा मतलब कि जो भी अभी तक एक्यूरेसी दी जाती थी कि भाई ऐसा वेदर यहां पर होना है उस चीज को और ज्यादा सुधारा जाएगा कि अगर कह दिया जाएगा कि इस डेट में बारिश होगी या इस डेट में कुछ झंझावात आने की संभावनाएं हैं तो ऐसा नहीं है कि एक दिन बाद वो चीज़ें होंगी उसको और एक्यूरेटली बताया जाएगा ठीक है इसके लिए दो हज़ार करोड़ रुपए भी अलॉट किए गए हैं और इस मिशन का नाम है मिशन मौसम जिसका जो पहला चरण है वो मार्च 2026 तक चलेगा और ये शुरू हुआ है 11 सितंबर 2024 से यानी कि जब ऑफिशियल अनाउंसमेंट इसकी हुई है आशा करता हूं कि आप लोगों को न्यूज़ जो है वो अच्छी लग रही होगी और समझ में भी आ रहा होगा हिंदी इंग्लिश में कोई परेशानी नहीं होगी अगर न्यूज़ अच्छी लग रही है दोस्तों तो प्लीज़ लाइक करिए अगर शेयर कर सकते हैं तो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए क्योंकि घटना चक्र का पहला जो प्रीफेस है जो कुछ पेजेस है वो हम लोग यहां पर लॉन्च कर दिए हैं नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है, वो है दोस्तों कि विच स्कीम इज़ लॉन्च टू रिप्लेस फेम इंडिया फेज़ टू टू प्रमोट इलेक्ट्रिक व्हीकल इन इंडिया तो वो कौन सी स्कीम है आ, फेम इंडिया को बदलने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है और ये जो योजना है वो भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देगी और उसके लिए जो चरण दो है उसकी बात यहाँ पर की जा रही है थोड़ा सा ट्रांसलेशन में गड़बड़ी कर रहा हूं मैं मैं फिर से बता रहा हूं कि विच स्कीम इज लॉन्च टू रिप्लेस फेम इंडिया फेज टू टू प्रमोट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट uh, करने के लिए जो फेम इंडिया फेज़ टू है उसको रिप्लेस किया जा रहा है किसी स्कीम के द्वारा तो स्कीम का नाम है पी एम ई ड्राइव और फेम uh, जो स्कीम थी उसका जो फुल फॉर्म था वो था फास्टर अडॉप्टेशन एंड मैनुफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया ठीक है तो फेम इंडिया फेज टू को रिप्लेस करेगा कौन सी स्कीम है पी एम ई ड्राइव जिसका फुल फॉर्म है ड्राइव का फुल फॉर्म है ड्राइव रेवोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल इन्हांसमेंट ठीक है तो डी आर आई वी ई का क्रमशः जो फुल फॉर्म है वो आप लोग को फिर से मैं एक बारी रिपीट कर दे रहा हूँ बस पेन सेलेक्ट कर लूँ दोस्तों ठीक है चलिए यहां पर दे रहा है कि ई e का मतलब हो गया इलेक्ट्रिक डी का मतलब हो गया ड्राइव आर से हो गया रेवोल्यूशन इनोवेटिव इन इनोवेटिव वी से हो गया व्हीकिल और ई e से हो गया एनहांसमेंट तो पी एम ई ड्राइव जो योजना है वो फेम इंडिया फेज टू यानी कि फैस्टर अडॉप्टेशन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल स्कीम का दूसरे चरण को रिप्लेस करेगी ठीक है अगली जो न्यूज़ है वो है विच एयरपोर्ट इज रैंक्ड ट्वेंटी टू ट्वेंटी फोर्थ प्लेस इन द लेटेस्ट रैंकिंग ऑफ ग्लोबल मेगा हब एयरपोर्ट्स रिलीज बाई इंटरनेशनल एविएशन एनालिटिक्स फ्रॉम ओ ए जी ठीक है तो सेम चीज़ एक बार हिंदी में समझने की कोशिश करते हैं एक फर्म है जिसका नाम है ओ ए जी फुल फॉर्म होगा उसका ऑफिशियल एयरलाइन गाइड ये जो विश्लेषण फर्म है इसके द्वारा एक वैश्विक मेगा हब हवाई अड्डों की नवीनतम रैंकिंग जारी की गई है और उसमें एक भारतीय हवाई अड्डा है जो कि चौबीसवें स्थान पर आया है जिसका नाम है इंदिरा गांधी ठीक है दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दैट इज आई जी या आई ठीक है अगली न्यूज़ जो यहां पर है दोस्तों उसको देख लेते हैं कि विच कंट्री हैज़ साइंड एन एम ओ यू विद इंडिया फॉर सिविल न्यूक्लियर कॉपरेशन ऑन सेप्टेम्बर नाइन टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर तो कोई एक देश है जिसने भारत के साथ असैन्य परमाणु सहयोग पर एक जो है समझौता किया है सिविल न्यूक्लियर कॉपरेशन पर किया है ठीक है यानी कि सैन्य यूज़ नहीं करेगा असैन्य परमाणु समझौता किया है कौन सा देश है तो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जो है संयुक्त अरब अमीरात वो कंट्री है जिसने ऐसा समझौता किया है अब हम लोग चलते हैं अगले पेज पर अगली न्यूज की ओर बढ़ते हैं कि फोर्टी फिफ्थ चेस ओलंपियाड 2024 थाउजेंड ट्वेंटी फोर हैज़ ऑर्गेनाइज एट विच प्लेस कि चौबीसवां सत्रह जो ओलंपियाड जो है किस स्थान पर हो, होना जो है वो है या हुआ है ठीक है तो ये हुआ है आपके बुडापेस्ट हंगरी की जो कैपिटल है वहां पर अगला जो न्यूज है वो है विच टीम हैज वन गोल्ड मेडल्स इन ओपन एंड विमेन कैटेगरी यानी कि इंडियन ओपन टीम के सदस्य सॉरी हंगरी ओपन और महिला वर्ग में किस टीम ने स्वर्ण पदक जीता है तो वो है इंडिया ठीक uh, है नेक्स्ट न्यूज है हु वर द मेंबर्स ऑफ इंडियन ओपन टीम तो भारतीय ओपन टीम के सदस्य कौन कौन थे तो गुकेश डी थे ठीक है uh, प्रज्ञानंद थे अर्जुन एरिगाईसी थे विदित गुजराती थे और हरिकृष्ण पेंताला थे ठीक है जो कि कैप्टन श्रीनाथ नारायणन के अंडर में ये लोग ओपन टीम के सदस्य थे फिर से मेंबर्स uh, का नाम सुन लीजिए भारतीय ओपन टीम के तो गुकेश डी थे प्रगना नंद आर थे अर्जुन एरीगैसी थे विदित गुजराती थे और हरिकृष्ण पेंथाला थे और इनके कैप्टन कौन थे श्रीनाथ नारायणन अगली न्यूज़ है हु वर द मेंबर्स ऑफ इंडियन विमेन टीम और भारतीय महिला टीम के सदस्य कौन कौन थे तो हरिका द्रोणावली थी ठीक है, दूसरी है वैशाली आर तीसरे हैं दिव्य दिव्य देशमुख चौथे हैं वंतिका अग्रवाल ठीक है पांचवे हैं है तानिया सचदेव और कैप्टन थे इनके अभिजीत कुंते ये सब शतरंज से रिलेटेड जो है नाम है अगला है कि विच टीम हैज वॉन ग्रे प्रिंडास विली ट्रॉफी तो ट्रॉफी का नाम थोड़ा जीव को तोड़ने वाला है बस याद रखिएगा गै प्रिंडास विली ट्रॉफी किस टीम ने मतलब बेस्ट ओवरऑल परफॉर्मेंस अक्रॉस ओपन एंड विमेन कैटेगरी तो ओपन और महिला कैटेगरी में किसने ग्रैप प्रिंडास विली ट्रॉफी में सबसे बढ़िया परफॉर्म किया है ओवरऑल कैटेगरी में तो वो इंडिया है तो ये भी चीज याद रखेंगे अगला है अनमोल खार्ग के बारे में शटलर यह शटलर है भारतीय शटलर है, भारती है back -back 2024, 2024 2024. तो वो कौन इंडियन शटलर है शटलर है जिन्होंने बैक टू बैक टाइटल ली है बैडमिंटन टूर्नामेंट बेल्जियन इंटरनेशनल में और पॉलिश इंटरनेशनल में तो उनका नाम है अनमोल खार ठीक है अगली न्यूज है कि विच इंडियन बॉलर टेकन मोस्ट फाइव विकेट्स हॉल इन टेस्ट क्रिकेट तो टेस्ट क्रिकेट में कौन सा भारतीय बॉलर है जो पाँच विकेट इक् मैच में ले चुका है तो उनका नाम है आर अश्विन और ये मोस्ट फाइव विकेट टेकर हो चुके हैं भारतीय टीम के तरफ से ठीक है तो सैंतीसवीं बार जो है ऐसा कारनामा उन्होंने किया है आइए चलते हैं अगली खबर देख लेते हैं दोस्तों तो आर अश्विन जो है कमाल कर दिए हैं तो याद रखिएगा सैंतीसवीं बार इन्होंने ऐसा किया है और ये पहले बॉलर हैं जिन्होंने इतने सारे विकेट एक साथ मतलब पाँच विकेट लिए हैं ठीक है अगला है कि विच एयरपोर्ट हैज़ वंस अगेन वॉन द कोविटेड टाइटल ऑफ बेस्ट एयरपोर्ट एट इंडिया ट्रेवल अवार्ड्स इट्स थर्ड कंजिक्यूटिव विन तो कौन सा ऐसा एयरपोर्ट है जो कि प्रतिष्ठित खिताब को बेस्ट एयरपोर्ट ऑफ द इंडिया ट्रेवल अवार्ड यानी कि भारत यात्रा पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का तीसरी बार लगातार जीता है तो इस हवाई अड्डे का नाम आप लोग देख ही रहे हैं कि हैदराबाद का राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है तो भारत में एक दो एयरपोर्ट जो बहुत अच्छे हैं उसमें एक इंदिरा गांधी है एक राजीव गांधी है इस तरह से याद करके आप लोग चल सकते हैं अगली जो न्यूज़ है वो है हु इंट्रोड्यूस द यू पी आई सर्कल डेलीगेटेड पेमेंट्स फॉर सेकेंडरी यूजर्स यानी कि भारत में सेकेंडरी uh, यूजर्स के लिए यू सर्कल डेलीगेटेड पेमेंट की शुरुआत किसने की है तो एन ने की है यानी कि नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने की है ठीक है तो याद रखिएगा एन नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने यूपीआई सर्कल डेलीगेटेड पेमेंट सेकेंडरी यूजर्स के लिए स्टार्ट किया है अगली खबर है कि इंडिया सेकेंड होम बिल्ट सेवन हंड्रेड मेगावाट न्यूक्लियर पावर रिएक्टर बिकेम फुली ऑपरेशनल विद फुल कैपेसिटी 21 अगस्त को कौन सा शुरू हुआ 700 मेगावाट का है और भारतीयों के द्वारा बनाया हुआ है ठीक है तो भारत का दूसरा स्वदेशी निर्मित है ये सेकेंड होम बिल्ट है ठीक है 700 मेगावाट क्षमता का है और परमाणु ऊर्जा रिएक्टर जो है पूरी तरह से चालू किया गया है 21 अगस्त को यह काकरापार है काकरापार एटॉमिक पावर स्टेशन जो कि गुजरात में स्थित है ठीक है इन द ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड्स 2024 हु बिकेम द टॉप सेंट्रल बैंकर फॉर द सेकंड कंसेक्यूटिव ईयर तो आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास को लगातार दूसरे वर्ष जो है ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट काइस जिसको बोलते हैं उसमें लगातार दूसरे वर्ष इनको शीर्ष केंद्रीय बैंकर घोषित uh, किया गया है या बने हैं जो शक्तिकांत दास हैं आर के गवर्नर वो ठीक है तो न्यूज़ को मैं दोबारा नहीं रिपीट कर रहा हूँ अगली न्यूज़ पर डायरेक्टली चलते हैं कि यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर वीरेंद्र कुमार इनागरेटेड द सेवनटीन्थ दिव्य कला मेला सत्रहवा दिव्य कला मेला जो कि अगस्त सत्रह को मनाया गया है रायपुर में इसको किसने इनोग्रेट किया वीरेंद्र कुमार ने किया और कहाँ मनाया गया तो रायपुर में मनाया गया है ठीक है तो इसको हिंदी में भी सुन लेते हैं कि केंद्रीय मंत्री हैं वीरेंद्र कुमार जिन्हें जिन्होंने सत्रहवां दिव्य कला मेले का उद्घाटन किया है जो कि सत्रह अगस्त दो को मनाया गया था रायपुर में ठीक है अगली जो खबर है वो है विच एयरपोर्ट इज इंडियाज़ फर्स्ट एयरपोर्ट टू तो गेट द नेट ज़ीरो कार्बन इमिशन स्टेटस तो किसने जो है भारत का ऐसा कौन सा एयरपोर्ट है जिसने नेट ज़ीरो कार्बन उत्सर्जन का प्रमाण पत्र या दर्जा प्राप्त किया है तो वो है आपका आई यानी कि इंडिया इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है तो मैंने दो बताया एक राजीव गांधी या हैराबाद का और एक दिल्ली का इंदिरा गांधी तो ये वाला नेट जीरो कार्बन इमिशन का जिसने प्रम, प्रमाण पत्र या स्टेटस जिसने प्राप्त किया है वो है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट न्यू दिल्ली का अगला है कि अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल डेटा फॉरन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफ इन इंडियाज़ फूड प्रोसेसिंग सेक्टर डिक्लाइंड बाई थर्टी टू फाइव थाउजेंड थर्टी सेवन पॉइंट जीरो टू जीरो सिक्स करोड़ लास्ट फिस्कल ईयर तो अगर ऑफिशियल डेटा की बात की जाए तो एफ जो कि इंडिया के भारत के फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में है वो तीस प्रतिशत से गिर करके अब पाँच हज़ार सैंतीस दशमलव जीरो छः करोड़ जो है बचा है केवल तो ये जो है एक निगेटिव न्यूज़ है इंडिया की फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के लिए ठीक है यानी कि जो खाद्य प्रसंस्करण इंडस्ट्री है उस उसमें जो है डिक्लाइनमेंट हुआ है आपके एफ का अगली खबर है हम लोग के पास यहां पर कि वेयर द महाराष्ट्र फर्स्ट सोलर विलेज महाराष्ट्र का पहला सोलर विलेज हैज बीनोगरेटेड बाई सी एम एक नाथ शिंदे तो एक नाथ शिंदे के द्वारा पहला सौर्य विलेज या सूर्य विलेज जो है उसका उद्घाटन कहाँ किया गया है तो ये जो है उसका नाम है मान्य चिवाड़ी विलेज ठीक है ध्यान से याद रखिएगा मान्य चिवाड़ी गांव पाटन तालुका में पड़ता है सतारा जिले में महाराष्ट्र में ठीक है तो पाटन तालुका सतारा डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र तो फिर से सुन लीजिए कि महाराष्ट्र का पहला जो सौर गांव है वो इनाग्रेट किया गया है सीएम एकनाथ शिंदे के द्वारा अगस्त 2024 में और ये है आपका गांव का नाम याद रखिएगा मान्य चिवाड़ी मान्य खिचड़ी मत याद रखिएगा मान्य चिवाड़ी गाँव है पाटन तालुका में सतारा जिले में अगला है कैग के बारे में एक न्यूज़ है कि द कॉम्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कैग ऑफ इंडिया साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एक एम साइन किए हैं किसके साथ किए हैं तो चैम्बर ऑफ अकाउंट्स रिपब्लिक ऑफ़ उज्बेकिस्तान उज्बेकिस्तान का जो लेखा विभाग है उसके साथ जो है ये एम साइन किए हैं जो भारत के कैग हैं वो ठीक है आते हैं अगली न्यूज देखते हैं दोस्तों आपको ये सेशन कैसा लग रहा है ये भी बताइए कोशिश की गई है कि चीज़ों को रिकॉर्डेड बोर्ड में लेकिन क्लियर कट बिल्कुल आपको बताने की तो अगर लेक्चर अच्छा लग रहा है तो आप ज़रूर अपने कमेंट्स करके बताइए कि सर लेक्चर ठीक है अगर कोई इंप्रूवमेंट चाहिए तो आप वो भी बताइए बाकी चीज़ें पल्लव सर ने आपको बताया है कि गौरव सर एक मैराथन क्लास लेंगे जिसमें क्विज के माध्यम से पूरी की पूरी बुक जो है छः से आठ घंटे में खत्म कर दी जाएगी हो सकता है पाँच ही घंटे में खत्म हो जाए ठीक है और उसके बाद हिंदी और इंग्लिश अलग अलग वीडियोज़ के माध्यम से पूरी बुक कवर की जाएगी नेक्स्ट न्यूज़ है विच हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन प्रेसिडेंट ऑफ द ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया दैट इज़ ओ तो पहला इंडियन uh, प्रेसिडेंट कौन है जो कि ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया का बनाया गया है राजा रणधीर सिंह इनका नाम है ठीक है एशियाई ओलंपिक परिषद के पहले भारतीय अध्यक्ष बने हैं ये टू ऑफर ब्लॉक चेन एज ए सर्विस डिजाइन टू सपोर्ट वेरियस परमिशन ब्लॉक चेन बेस्ड एप्लीकेशन मिटी हैज लॉन्च तो मिट्टी मंत्रालय ने तो सेम न्यूज हिंदी में देखते हैं कि ब्लॉकचेन को एक सर्विस की तरह से यूज करने के लिए और बहुत सारी ऐसी जो ब्लॉकचेन आधारित अनुप्रयोग डिजाइन है उसके समर्थन के लिए जो मिट्टी मंत्रालय है यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाला मंत्रालय जो है उसने क्या लॉन्च किया है तो लॉन्च किया है विश्वास्य ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी स्टेक या इसको डायरेक्टली हिंदी में हो सकता है विश्वास ब्लॉक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी स्टेक के नाम से ये लिख करके आ जाए ठीक है तो मिट्टी मंत्रालय ने ब्लॉकचेन को एक सर्विस के तरह से और जितनी भी अदर ब्लॉकचेन है उनके अनुप्रयोगों के डिज़ाइन के समर्थन के लिए जो है इसको लॉन्च किया है अगली न्यूज़ है हु रिसेंटली बिकेम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ़ फ्रांस तो फ्रांस के जो नए प्रधानमंत्री हैं उनका नाम है माइकल बर्नियर याद रखिएगा सितंबर 2024 में बने हैं ये विच इंडियन सिटी इज लॉन्चिंग द सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर एक्टिव मोबिलिटी बाय द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन लैब आई एस टी लैब तो यहाँ पर बात की जा रही है कि कौन सा भारतीय शहर है जो कि लॉन्च कर रहा है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस किसके लिए तो एक्टिव मोबिलिटी के लिए जो कि मतलब सतत सक्रिय गतिशीलता के लिए एक उत्कृष्टता केंद्र लॉन्च करेगा जो कि आईएससी बंगलौर के सतत परिवहन प्रयोगशाला के द्वारा ये दिया जा रहा है ठीक है यानी कि एक्टिव मोबिलिटी बाय द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस यानी कि आईएससी के सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट ट्रांसपोर्टेशन लैब आई लैब के द्वारा ये जो है बनाई गई है ठीक है तो ये आपका शहर है बंगलुरु जहाँ पर आई एस स्थित है अगला है विच कंट्री हैज़ सिक्योर द टॉप स्पॉट एज बिगेस्ट प्लास्टिक पोलूटर इन द वर्ल्ड रिलीजिंग 9.3 मिलियन टन्स एनुअली तो इंडिया वो कंट्री बन गई है जिसने सिक्योर किया है सुरक्षित किया है टॉप स्पॉट पहले नंबर पर आई है बिगेस्ट प्लास्टिक पोलूटर के रूप में यानी कि सबसे ज़्यादा प्लास्टिक का पोलूशन आपके इंडिया से होता है और 9.3 मिलियन टन जो है एनुअली इंडिया, इंडिया रिलीज़ करता है अगली न्यूज़ है सेमीकॉन इंडिया 2024 के बारे में जो कि ऑर्गेनाइज किया गया है 11 से लेकर के 13 सितंबर 2024 तक विद द थीम शेपिंग द सेमीकंडक्टर फ्यूचर ठीक है तो थीम क्या है इसका शेपिंग द सेमीकंडक्टर फ्यूचर सेमीकंडक्टर भविष्य को आकार देना इस थीम के साथ सेमीकॉन इंडिया दो जो है लॉन्च किया गया है कहाँ हो रहा है ये तो ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में हो रहा था ठीक है आ चुका है नेक्स्ट जो न्यूज़ है वन लाइनर की विच स्टेट पासेज अपराजिता विमेन एंड चाइल्ड बिल 2024 फॉर स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट इन केस ऑफ सेक्सुअल अजॉल्ट तो अगर कोई सेक्सुअल अजॉल्ट होता है तो उस केस में एक बिल आया है अपराजिता विमेन एंड चाइल्ड बिल 2024 जो कि एक कठोर सजा का प्रावधान जिसमें किया गया है स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट किया गया है अगर सेक्सुअल अजॉल्ट होता है तो वो जो स्टेट है उसका नाम है वेस्ट बंगाल आपको पता है आरजी कर मेडिकल कॉलेज में एक दुष्कर्म की घटना हुई जिसको आ, सुसाइड दिखा दिया गया था इनिशियली हालांकि वो पूरी तरह से सॉल्व नहीं हुआ है बट वहाँ के जो हेड डायरेक्टर हैं शायद वो कुछ फंसने की स्थिति है उनकी नेक्स्ट जो न्यूज़ है विच इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ओपेंड इस फर्स्ट इंटरनेशनल कैंपस इन यू तो आई दिल्ली है जिसने अपना पहला इंटरनेशनल कैंपस वैश्विक कैंपस खोला है यूनाइटेड अरब अमीरात संयुक्त अरब अमीरात में तो वो जो कंट्री uh, मतलब वो जो आई uh, है उसका नाम है आई दिल्ली अगला है कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ द प्रोजेक्ट लॉन्च्ड बाय द इंडियन आर्मी टू सपोर्ट वेटरन्स एंड फैमिलीज़ तो प्रोजेक्ट नमन लॉन्च किया गया है इंडियन आर्मी के द्वारा इसमें क्या चीज़ दिखाया गया है या शामिल किया गया है तो इसमें जो फैमिलीज़ हैं उनको और जो वेटरन्स हैं यानी कि जो भारतीय दिग्गज हैं उनको जो है सपोर्ट करने के लिए प्रोजेक्ट नमन लॉन्च किया गया है अगला जो न्यूज़ है वो है हाउ मेनी न्यू यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट वर एडेड एट द फोर्टी सिक्स सेशन ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी तो जो वर्ल्ड हेरिटेज की कमेटी है उसके छियालीसवें सेशन में कितनी नई साइट्स जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स बनाई गई हैं यानी कि विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है तो चौबीस नई स्थानों को साइट्स को जो है इसमें शामिल किया गया है वट इज़ द पोजिशन ऑफ इंडिया इन ग्लोबल एल्युमिनियम प्रोडक्शन तो वैश्विक रूप से एल्युमिनियम के उत्पादन में दूसरा स्थान है भारत का भारत जो है वो दूसरा सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है उत्पादक है एल्युमिनियम का ठीक है वेयर वॉज द राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 थाउजेंड हेल्ड तो भारत में कहाँ पर राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन हुआ तो वो हुआ आपके भोपाल जो कि मध्य प्रदेश का एक शहर है विच न्यू सोलर स्कीम वॉज लॉन्च बाई गोवा चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत तो ये अभी मैंने कल भी न्यूज़ में कवर किया है जो मई सॉरी जुलाई अगस्त की जो न्यूज़ थी उसमें इसको कवर किया गया है इसका नाम है गोएम विनामूल्य विज ये वजन ठीक है तो ये सेम हर घर सोलर पैनल वाली जो स्कीम है प्रधानमंत्री की या उसको सूर्य घर भी कह रहे थे तो सेम उसी पैटर्न पर जो है प्रमोद सावंत वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने गोवा के लिए सोलर पैनल की ये स्कीम लाई है अगला जो न्यूज़ है वो है हु चेयर्ड द नाइन्थ गवर्निंग काउंसिल मीटिंग ऑफ नीति आयोग तो किसने नौवीं जो है नीति आयोग के गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग को हेल्ड अध्यक्षता की है तो इसकी अध्यक्षता की है पीएम नरेंद्र मोदी ने ठीक है थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं आप लोग का मूड भी चेंज हो जाएगा जिससे चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं अगली न्यूज़ है वेयर वॉज द क्वाड फॉरन मिनिस्टर्स मीटिंग हेल्ड तो क्वाड की जो मीटिंग हुई है फॉरन मिनिस्टर्स की विदेश मंत्रियों की वो कहाँ हुई है तो वो हुई है टोक्यो में अगला है विच ए आई चैट बोर्ड वॉज लॉन्च बाई सेबी फॉर इन्वेस्टर्स ये भी मैंने कल कवर कर दिया था जुलाई अगस्त वाली न्यूज़ में ये भी था कि ए आई चैट बोर्ड जो कि सेबी के द्वारा लॉन्च हुआ है उसका नाम है सेवा ये एक ऐसा चैट बोर्ड एक ऐसा फंक्शन होता है जो कि ए आई बेस्ड होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित होता है जब आप सेबी की साइट को ओपन करोगे तो किनारे से एक कार्टून नुमा एक, एक, एक करेक्टर आएगा जो कि आपसे कुछ सवालों के पूछेगा कि आप कैसे हो या आप उससे पूछोगे तो वो जवाब देगा आप जो भी सवाल पूछोगे उसके आंसर देगा ठीक है तो उसका नाम है सेवा अगली जो न्यूज़ है वो है व्हाट पोजीशन डिड इंडिया रिटेन इन ग्लोबल एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट तो वैश्विक रूप से जो आपके कृषि एक्सपोर्ट है निर्यात है उसमें भारत का कौन सा स्थान है तो भारत का स्थान है अठवा ये चीज़ याद रखनी है तो वैश्विक कृषि निर्यात में भारत का ग्लोबल एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट में भारत का कौन सी पोजीशन है आठवीं पोजीशन है अगला है कि व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द डब्लू ई एफ टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स तो डब्ल्यू ई एफ के द्वारा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा दो की यात्रा सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है यात्रा सूचकांक मतलब पर्यटन विकास सूचकांक है टोटल ठीक है तो इसमें उनतालीसवां जो है स्थान है भारत का ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स ठीक है अगला है कि हुज द ऑनर्ड विद द प्रेस्टिजियस वी वेंकैया एपिग्राफी अवार्ड तो वी वेंकैया एपीग्राफी अवार्ड जो है किसको मिला है एपिग्राफी uh, मतलब होता है पुरालेख तो वी वेंकैया पुरालेख uh, अवार्ड किसको मिला है तो ये मिला है वी वेदा चलम को ठीक है अगला देखते हैं विच इंडिया ग्रुप कैप्टन वर सेलेक्टेड फॉर द एग्जियम फोर मिशन टू द आई ऐसा कौन सा भारतीय ग्रुप कैप्टन है जो कि एग्जियम फोर मिशन जो कि आईएसएस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जा रहा है तो कैप्टंस को चुना गया है तो पहले व्यक्ति का नाम है यहाँ पर शुभांशु शुक्ला ठीक है और दूसरे व्यक्ति का नाम है आपका प्रशांत बालाकृष्णन नायर तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जो कि एग्जियम फोर के लिए चुना गया है इंडियन कैप्टन को ग्रुप कैप्टन को सुभाषु शुक्ला को और प्रशांत बालाकृष्णन नायर को ठीक है अगली न्यूज़ देखते हैं अगले पेज पर तो ये भी वन लाइनर न्यूज़ है इसको भी कवर कर लेंगे फिर जब कंप्लीट बुक आएगी तो फिर से एक बार कवर कर लेंगे ठीक है कोई समस्या की बात नहीं है बस आप लोग कितने ज़्यादा याद कर सकते हैं डिपेंड इस पर करता है तो अगला है कि बेल्जियन ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है तो लुइस हैमिल्टन ने जीता है जो हर बार जीतते हैं लगभग तो नाम याद रखिएगा 2024 का बेल्जियन ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है तो लुइस हैमिल्टन ने जीता है वो वाली एफ वन रेसन रेसिंग कार चलाते हैं ये नेक्स्ट है वेन विल इंडिया होस्ट द मैंस एशिया कप इन टी ट्वेंटी फॉर्मेट तो इंडिया जो है कब पुरुष एशिया कप की मेजबानी करेगा टी ट्वेंटी मैच की तो दो हज़ार पच्चीस में करेगा ठीक है तो ये चीज़ इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि काफ़ी वर्ष बाद शायद छत्तीस साल बाद जो है इसकी मेज़बानी करने जा रहा है इंडिया तो काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि मैंस एशिया कप टी ट्वेंटी की मेजबानी इंडिया कप करेगा दो हज़ार पच्चीस में विच इंडियन डुओ वॉन ब्रॉन्ज इन द टेन मीटर एयर पिस्टल मिक्सड टीम इवेंट तो मिक्सड टीम इवेंट में जीत रहे हैं कितने में जीत रहे हैं टेन मीटर एयर पिस्टल में जीत रहे हैं और ब्रॉन्ज जीत रहे हैं ठीक है एट द पेरिस ओलंपिक्स तो मनु भाकर और सरबजोत सिंह जो है ए टेन मीटर एयर पिस्टल मिक्सड टीम इवेंट में भी ब्रॉन्ज uh, जीते हैं तो ये पॉइंट भी आप लोग याद रखिएगा बाकी मनु भाकर ने जो है uh, सिंगल इवेंट में भी ब्रॉन्ज जीती है अगला है कि हु बिकेम इंडियाज यंगेस्ट बॉक्सिंग रेफरी एट द पेरिस ओलंपिक तो कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो कि पेरिस ओलंपिक में भारत का यंगेस्ट बॉक्सिंग रेफरी बना है रेफरी जानते हो ना अंपायर की तरह से होते हैं जो उनका नाम है लेफ्टिनेंट कर्नल कबिलान साई अशोक ठीक है तो कबिलान साई अशोक जो है वो सबसे युवा बॉक्सिंग रेफरी बने हैं पेरिस ओलंपिक में इंडिया की तरफ से अगला है कि वॉट इज द थीम फॉर द वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग पर्सन टू 2024 तो इसका थीम क्या है वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्सन बेसिकली मानव तस्करी विरोधी ऐसा कुछ है ठीक है मानव वर्ल्ड डे विश्व मानव विश्व मानव तस्करी विरोधी दिवस इसकी जो थीम है वो है लीव नो चाइल्ड बिहाइंड इन द फाइट अगेंस्ट ह्यूमन ट्रैफिकिंग यानी कि मानव तस्करी के खिलाफ लड़ाई में कोई भी बच्चा पीछे ना छूटे ठीक है तो याद रखिएगा का थीम काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसको भी मैं मार्क कर दे रहा हूँ वेयर वॉज द टेंथ नेशनल हैंडलूम डे एग्जिबिशन विरासत हेल्ड तो भारतीय हथकरघा दिवस जो है मनाया गया है एग्जिबिशन विरासत के नाम से कहाँ पर हुआ है ये तो हैंडलूम हार्ट न्यू दिल्ली में हुआ है और दसवां था ये नेशनल हैंडलूम डे यानी कि दसवीं राष्ट्रीय हथकरघा दिवस प्रदर्शनी अगला है हु इंट्रोड्यूस द वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 इन लोकसभा तो किरण रिजिजू ने जो कि माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर हैं उन्होंने वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 लोकसभा में पेश किया है अगला है द थर्ड एडिशन ऑफ द हर घर तिरंगा कैंपेन वाज हेल्ड सबसे पहले ये याद रखना है कि चौथा एडिशन था तो तीसरा एडिशन था हर घर तिरंगा कैंपेन का और ये चला है आपके अगस्त नौ से अगस्त पंद्रह तक विच प्रोग्राम इज लॉन्च फॉर एम्पावरिंग जिनर्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स प्रोग्राम का नाम है कस्तूरी कॉटन भारत प्रोग्राम ठीक है गिनर्स क्या होता है गिनर्स वो विधि है जो कि बीज से कॉटन को अलग करती है जैसे कॉटन बीज के साथ आता है ना मतलब रूई का जो पेड़ होता है उसमें वो बीज भी पड़ी होती है तो बीज से कॉटन को अलग करती है उसकी मॉइस्चर को सोखती है बहुत सारा काम होता है तो गिनर्स जो भी इस तरह का काम करने वाले व्यक्ति हैं उनको एम्पावर करेगी उनको सशक्त करेगी तो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया है जिसका नाम है कस्तूरी कॉटन भारत प्रोग्राम अगला है विच सिटी होस्टेड द फिफ्थ ए आई टी आई जी ए आई तिगा ज्वाइंट कमेटी मीटिंग तो कहाँ पर ये सिटी है जिसने होट कि, होस्ट किया है तो सिटी का नाम है जकार्ता जो कि इंडोनेशिया की, की राजधानी हुआ करती थी और अभी नुसंतारा जो है बना रही है इंडोनेशिया अपनी कैपिटल को ठीक है अब ये जो वर्ड है यहाँ पर लिखा हुआ है ए आई टी आई जी है ये कुछ नहीं है बस ये स्टैंड करता है मतलब इसका जो अर्थ होगा वो होगा आशियान इंडिया ट्रेड इन गुड गुड्स एग्रीमेंट ठीक है तो एक बार मैं लिख भी दे रहा हूँ आसियान इंडिया ट्रेड इन गुड्स एग्रीमेंट ठीक है तो ए आई की जो ज्वाइंट कमिटी मीटिंग हुई है वो जकार्ता में हुई है अगली जो न्यूज है दोस्तों वो क्या है कि विच इंडियन जी आई प्रोडक्ट वॉज फर्स्ट एक्सपोर्टेड टू पोलैंड वो कौन सा जी आई टैग प्रोडक्ट है जो कि पहली बार एक्सपोर्ट हुआ है आपका पोलैंड के लिए तो फिग का जूस जो है फिग जूस ये पोलैंड के लिए एक्सपोर्ट हुआ है और जुलाई अगस्त वाली न्यूज़ में मैंने इस फिग का नाम भी बताया था इस अंजीर का नाम भी बताया था उसका नाम था पुरंदर अंजीर ठीक है तो पुरंदर अंजीर का जो जूस है वो कहाँ अभी एक्सपोर्ट हुआ है तो पोलैंड को एक्सपोर्ट हुआ है और पुरंदर अंजीर को जी टैग भी मिल चुका है अगली जो न्यूज़ है यहाँ पर दोस्तों वो है विच स्टेट लॉन्च द मुख्यमंत्री मैं सम्मान योजना में मैंने पढ़ा था तो अगर इसको हिंदी में देखा जाए तो इसका नाम है मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना ठीक है मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना माँ वाला मैया ठीक है तो ये कहाँ स्टार्ट हुई है तो ये स्कीम जो है झारखंड में स्टार्ट हुई है अगला जो न्यूज है वो है विच स्टेट बिकम द फर्स्ट टू परचेज ऑल क्रॉप एट एमएसपी तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे वो कौन सा स्टेट है राज्य है जो कि पहला राज्य बना है जो कि सारी ही फसलों को एमएसपी पे खरीद रहा है तो हरियाणा वो राज्य है जो कि सारी ही फसलों को एमएसपी पे खरीदेगा ठीक है विच स्टेट स्क्रैप्ड टू स्क्रैप्ड द टू चाइल्ड पॉलिसी फॉर लोकल बॉडी पोल्स तो आंध्र प्रदेश वो राज्य है जिसने दो बच्चों की नीति को जो है खत्म कर दिया है केवल आपके लोकल बॉडी पोल्स के लिए यानी कि स्थानीय निकाय चुनावों के लिए अगला जो यहाँ पर न्यूज है वो है वेयर वॉज द इंडियाज फर्स्ट राइस ए तो चावल का ए किस राज्य में या किस स्थान पर जो है लॉन्च हुआ है तो ये आपका भुवनेश्वर के उड़ीसा में एक स्थान है मंचेश्वरम में लॉन्च हुआ है तो नाम याद रखेंगे राइस एटीएम टी कहाँ लॉन्च हुआ है तो मंचेश्वरम भुवनेश्वर उड़ीसा में लॉन्च हुआ है अगला है विच टू रिवर्स आर लिंकड इंडा महाराष्ट्र रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट तो महाराष्ट्र में जो रिवरों को जोड़ने की परियोजना चल रही है नदी जोड़ो परियोजना उसमें किन दो नदियों को जोड़ने की बात हो रही है तो नल गंगा हो रही है और वैन गंगा तो नल गंगा और वैन गंगा जो है इन दो नदियों को महाराष्ट्र में जोड़ा जा रहा है नदी जोड़ो परियोजना के अंतर्गत अगला है हु टूक ओवर एट द डायरेक्टर जनरल ऑफ द बी एस एफ ऑन अगस्त थ्री टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर तो अगस्त तीन को बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के डायरेक्टर जनरल अर्थात डी जी किसको बनाया गया है तो दलजीत सिंह चौधरी को बनाया गया ठीक है तो दलजीत सिंह चौधरी को बी एस एफ का डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया गया है डायरेक्टर जनरल ऑफ आसम राइफल्स इन अगस्त टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर तो असम राइफल का डायरेक्टर जनरल अर्थात महानिदेशक इसको नियुक्त किया गया है तो लेफ्टिनेंट जनरल विकास लखेरा को बनाया गया है असाम राइफल का ठीक है अगला है कि हु वॉज नेम्ड एज द ब्रांड एम्बेसडर फॉर द एस ए ट्वेंटी लीग इन अगस्त टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर तो दिनेश कार्तिक को साउथ अफ्रीका ट्वेंटी लीग का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है तो ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे वेयर वॉज द पर्वत प्रहार हाई एल्टीट्यूड वारफेयर एक्सरसाइज कंडक्टेड तो पर्वत प्रहार नाम की एक उच्च ऊंचाई पर यानी कि हाई एल्टीट्यूड वारफेयर एक्सरसाइज कहाँ कंडक्ट हुई है तो जहां ऊंचाई होगी वहीं अर्थात लद्दाख में पर्वत प्रहार नाम की एक्सरसाइज जो है कंडक्ट हुई है यानी कि वहां पर समाप्त हुई है या उसका आ, वो किया गया था आयोजन हु ऑथर्ड द बुक इंडिया ऐट द रेट हंड्रेड इन विजनिंग टूमोर इकोनॉमिक पावर हाउस तो इसको के वी सुब्रमण्यन ने लिखा है पॉइंट याद रखिएगा कि इंडिया ऐट द रेट हंड्रेड इन विजनिंग टूमोज इकोनॉमिक पावर हाउस इसको प्रोफेसर के वी सुब्रमण्यन ने लिखा है अगली जो यहाँ पर वन लाइनर न्यूज़ है वो है ड्यूरिंग हर स्टेट विजिट टू फिजी विच अवार्ड डिट प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू रिसीव तो ये भी मैंने जुलाई अगस्त के न्यूज़ में कवर किया था कि फिजी का जो सर्वोच्च पुरस्कार है वो द्रौपदी मुर्मू को हाल ही में दिया गया है और उसका नाम है कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी और एक साल पहले सेम पुरस्कार आपके नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री हैं उनको भी दिया गया था ठीक है तो देखिए जुलाई अगस्त की न्यूज़ कवर करने से कितना हम लोग को फ़ायदा यहां पर देखने को मिल रहा है अगली न्यूज़ है हु वॉज डिसक्वालीफाइड फ्रॉम द पेरिस ओलंपिक 2024 थाउजेंड ट्वेंटी फोर फॉर फेलिंग टू मीट द वेट रिक्वायरमेंट तो सबको पता होगा विनेश फोगाट अपना फाइनल मैच नहीं खेल पाई थी क्योंकि 50 किलो वर्ग में उनका जो वेट है वो ऊपर आया था इस कारण से रात भर वो कोशिश करती रही एक्सरसाइज करती रही लेकिन फिर भी जब फाइनल वेट लिया गया तो उनका वेट अधिक आया और उनको डिसक्वालीफाई कर दिया गया अगली न्यूज़ है यहाँ पर विच टीम वॉन ब्रॉन्ज इन मेंस हॉकी एट द पेरिस टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर ओलंपिक्स तो इंडिया की टीम ने जो है यहाँ पर ब्रॉन्ज मेडल जो है जीता था और पी रिजेश जो कि की गोलकीपर है हैं उनका बहुत बड़ा योगदान था अगर किसी ने देखा होगा तो पता भी होगा कि पी रिजेश ने बहुत इंपॉर्टेंट गोल्स जो है बचाए थे और उसके बाद भारतीय टीम फाइनली जो है ब्रॉन्ज मेडल लेने में सफल हुई थी अगला है कि हु वॉज़ इंडियाज़ को फ्लैग बियर एट द पेरिस टू क्लोजिंग सेरेमनी तो कौन जो है फ्लैग बियर था झंडा लेकर के चल रहा था क्लोजिंग सेरेमनी यानी कि समापन के समय में तो पी आर सृजेश वो जो आपके हॉकी टीम के गोलकी हैं वो और उसके अलावा मनु भाकर ये दोनों लोग जो है तो ये काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है इसको जरूर याद रखिएगा कि क्लोजिंग सेरेमनी में पी आर सृजेश और मनु भाकर जो है को फ्लैग बियर से यानी कि झंडा लेकर के चल रहे थे हु वॉज अपॉइंटेड एज द न्यू कैबिनेट सेक्रेटरी ऑफ इंडिया स्टार्टिंग अगस्त थर्टी टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर तो टी वी सोमनाथन को मुख्य कैबिनेट सचिव बनाया गया है या नया कैबिनेट सचिव जो है बनाया गया है तीस अगस्त से ये चीज़ प्रभावी हो रही है अगला है कि हु वॉज अपॉइंटेड एज द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ एन लिमिटेड तो नेशनल हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन जो है उसका नया चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर यानी कि महानिदेशक चुना गया है किसको चुना गया है तो राजकुमार चौधरी को चुना गया है हु वॉज़ अपॉइंटेड एज द न्यू हेड कोच ऑफ इंडियन जूनियर मैंस हॉकी टीम तो जूनियर मैंस हॉकी टीम के कोच के रूप में पीआर आर जो कि भारत के गोलकीपर थे उनको हॉकी टीम के जूनियर मेंस हॉकी टीम का कोच बनाया गया है ठीक है तो ये पॉइंट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा क्योंकि पी आर सृजेश जो है इसी बार पेरिस ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीतने के बाद इन्होंने अपना संन्यास की घोषणा कर दी थी विच बॉलीवुड एक्टर रिसीव्ड अ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एट द सेवेंटी सेवन्थ लो कार्नो फिल्म फेस्टिवल तो शाहरुख खान को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है सतहत्तरवें लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल के दौरान तो ये भी पॉइंट याद रखेंगे कि काफ़ी फेमस जो है व्यक्ति हैं शाहरुख खान और इनको लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है विच इंडो श्रीलंकन मिलिट्री एक्सरसाइज कौन सी भारतीय श्रीलंका के साथ जो सैन्य अभ्यास है उसको कमेंस किया गया है अगस्त 12 2024 को तो इसका नाम है मित्र शक्ति तो मित्र शक्ति सबको पता है कि श्रीलंका के साथ होती है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओ कि सूर्य किरण किसके साथ होती है ठीक है अगला जो यहां पर न्यूज है हु वाज नोन एज द फादर ऑफ अग्नि मिसाइल एंड पास्ड अवे एट द एज एटी किसे अग्नि मिसाइल का पिता कहा जाता है जो कि अड़... चौरासी वर्ष की उम्र में जिनका देहांत हो गया है तो उनका नाम है राम नारायण अग्रवाल तो राम नारायण अग्रवाल वो व्यक्ति हैं जिनको फादर ऑफ अग्नि मिसाइल कहा जाता है वो द दट वॉज द थीम फॉर इंटरनेशनल यूथ डे टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर तो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस की थीम क्या थी तो थीम थी फ्रॉम क्लिक्स टू प्रोग्रेस यूथ डिजिटल पाथवेज फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट अगर हिंदी में बताऊं तो इसको इस प्रकार बोल सकते हैं कि क्लिक से प्रगति तक सतत विकास के लिए युवा डिजिटल मार्ग ठीक है अगली जो न्यूज है वो है विच फ्लावरिंग श्रब्स ऑफ वेस्टर्न घाट्स वाज एडेड टू द आईयूसीएन रेड लिस्ट ऑफ द थ्रेटनिंग थ्रेटेंटेड स्पीसीज तो कौन सा ऐसा वेस्टर्न घाट गा, का श्रब है यानी कि झाड़ी है जो कि फ्लावरिंग श्रब है यानी कि खिलने वाले फूल रूपी झाड़ी है जिसको आई की इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के रेड लिस्ट में थ्रेटेंटेड स्पीसीज के तरह से जो है शामिल किया गया है तो उसका नाम है नील कुरुंजी नील कुरुंजी आपको पता होगा अगर नहीं पता है तो मैं बता रहा हूँ कि बारह वर्षों में एक बार खिलता है और ये नीले रंग का फूल होता है जिसके कारण उस पूरी जो आपका पर्वत है वो नीला दिखाई देता है इसी कारण उसका नाम नीलगिरी हिल्स बोला जाता है ठीक है तो उसको थ्रेटेंटेड स्पीसीज या संकटग्रस्त प्रजातियों में रखा गया है अगला है कि व्हाट डिड पीएम मोदी प्रेजेंट टू यूक्रेन ड्यूरिंग हिज विजिट मार्किंग द फर्स्ट विजिट बाय एन इंडियन प्राइम मिनिस्टर टू यूक्रेन तो भीष्म क्यूब्स को वहां पर जाकर के इन्होंने रिप्रेजेंट किया है या दिखाया है बेसिकली भेंट किया है वहां पर जाकर के यूक्रेन को ठीक है तो भीष्म है क्या मैंने पहले भी बताया था कि इसका फुल फॉर्म है आपका भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग हित एंड मैत्री एक तरह का भीष्म जो है भीष्म क्यूब जो है वो आपको तुरंत हॉस्पिटल फैसिलिटी जो है देता है और आगरा में इसका पहला फर्स्ट ट्रायल किया गया था उसको प्लेन से उतारा गया था ये सारी चीज़ें कवर करा दी गई थी आपकी ठीक है विच इंडियन एयरपोर्ट वन द बेस्ट एयरपोर्ट अवार्ड एट द इंडिया ट्रेवल अवार्ड्स तो राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट आर हैदराबाद का जो है उसको बेस्ट एयरपोर्ट अवार्ड मिला है इंडिया ट्रेवल अवार्ड्स 2024 का ऑन विच डे इज़ नेशनल स्पेस डे सेलिब्रेटेड इन इंडिया तो अगस्त तेईस जिस दिन जो आपका चंद्रयान मिशन था वो पहुंचा था चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पर लैंड हुआ था उसी दिन को सेलिब्रेट करते हैं नेशनल स्पेस डे के तौर पर ठीक है अगला है कि हुए अपॉइंटेड एज द चेफ डे मिशन फॉर इंडिया द पेरिस पैरा ऑलम्पिक्स टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर तो किसे चेफ डे मिशन तो चेफ डे मिशन जो होता है वो उसके बारे में बता रहा हूँ पहले जान जाइए कि सत्य प्रकाश सांगवान जो है उनको पेरिस पैरालंपिक के लिए चेफ़ डे मिशन अपॉइंट किया गया है आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है कि पेरिस ओलंपिक्स के लिए किसको चेफ डे मिशन बनाया गया था और फिर रिप्लेस करके गगन नारंग को वो पद दिया गया था अब देखिए चेफ डे दे मिशन होता क्या है तो चेफ डे मिशन एक बहुत इंपॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव पद है यानी कि प्रशासनिक पद एक तरह से कह सकते हैं जो कि देखता है एथलीट्स को कि वो कैसे हैं उनकी वेलबीइंग पूछता है और अगर uh, मतलब कोई ऑर्गेनाइजेशन कमेटी से कांटेक्ट करना हुआ कोई मेंबर uh, को कोई प्रॉब्लम हो रही है तो वो भी चीज़ें मैनेज करता है ठीक है तो चीफ डे मिशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट प्रशासनिक पद है जो कि सत्य प्रकाश सांगवान को पैरा ओलंपिक uh, पेरिस के लिए बनाया गया था विच स्कीम वॉज लॉन्च्ड बाय द पोस्टल डिपार्टमेंट टू प्रमोट फिलेटली अमंग स्टूडेंट्स फिलेटली मतलब होता है टिकट का संग्रह ठीक है तो uh, कौन सा ऐसा स्कीम है जो कि पोस्टल डिपार्टमेंट के द्वारा प्रमोट किया जा रहा है बच्चों के बीच में स्टूडेंट्स के बीच में बेसिकली जो छात्र हैं उनके बीच में फिलेटली को लेकर के तो उसका नाम है दीनदयाल स्पर्श योजना ठीक है फिलेटली को लेकर के दीनदयाल स्पर्श योजना चलाई जा रही है हु रिसीव्ड द लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एट 2023 नेशनल जियो साइंस अवार्ड तो 2023 की के नेशनल जियो साइंस अवार्ड में किसको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है तो प्रोफेसर धीरज मोहन बनर्जी को 2023 के नेशनल जियो साइंस अवार्ड में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है ठीक है विच इंडियन सिटी होस्टेड द स्ट्रेटेजिक अलायंस फॉर स्मार्ट लेबोरेटरी ऑन क्लीन रिवर्स एस एल सी आर अंडर द इंडिया डेनमार्क पार्टनरशिप तो वो जो सिटी है जो कि होस्ट कर रही है उसका नाम है वाराणसी इसने स्ट्रेटेजिक अलायंस फॉर स्मार्ट लेबोरेटरी ऑन क्लीन रिवर्स जो कि भारत और डेनमार्क के पार्टनरशिप या समझौते के साथ चल रहा है उसकी मेजबानी की तो एक बार हिंदी में समझ लीजिए कि भारत डेनमार्क साझेदारी के तहत स्वच्छ नदियों पर जो स्मार्ट प्रयोगशाला के रणनीतिक गठबंधन हो रहा है उसकी मेजबानी वाराणसी शहर कर रहा था ठीक है विच इंडियन क्रिकेटर वॉन द सी एट इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड तो याद रखिएगा सी एट का टायर आता है और सी एट इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड का जो सम्मान है वो रोहित शर्मा को मिला है और इस छब्बीसवां सी एट क्रिकेटर क्रिकेटर अवार्ड जो है दिया गया है ठीक है तो छब्बीसवाँ अवार्ड किसको मिला है वो रोहित शर्मा को दिया गया है ठीक तो बहुत पहले से ही जो टायर कंपनीज हैं वो इंडियन क्रिकेट को सपोर्ट करती हैं जैसे एम सपोर्ट करता है सी सपोर्ट करता है इत्यादि तो यही सी इंटरनेशनल क्रिकेटर अवार्ड जो है इस बार का छब्बीसवां अवार्ड रोहित शर्मा को दिया गया है विच यूनिवर्सिटी विल इनाग्रेट द इंडियाज़ फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन म्यूजियम तो कौन सी यूनिवर्सिटी है जिसने इनाग्रेट किया है शुभारंभ किया है भारत का पहला कॉन्स्टिट्यूशनल म्यूजियम तो यूनिवर्सिटी का नाम है ओ पी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी जिसने भारत का पहला कॉन्स्टिट्यूशनल म्यूजियम यानी कि संवैधानिक म्यूजियम या संग्रहालय 2024 में खोला है ओ पी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी याद रखिएगा काफ़ी इंपॉर्टेंट लग रहा है अगली जो न्यूज है दोस्तों वो है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द वर्ल्ड्स फर्स्ट मोबाइल एंड रीयूजल हाइब्रिड रॉकेट लॉन्च्ड बाय इंडिया तो कौन सा रीयूजल हाइब्रिड रॉकेट है और मोबाइल भी है मतलब कि उसको इधर उधर लेकर के भी जा सकते हैं और रीयूजल है बार बार यूज कर सकते हैं कौन सा रॉकेट लॉन्च किया गया है तो उसका नाम है रूमी वन तो रूमी वन ठीक से याद रखिएगा क्योंकि ये विश्व का पहला ऐसा है वर्ल्ड्स फर्स्ट विश्व का ऐसा पहला मोबाइल और पुनः प्रयोज हाइब्रिड रॉकेट है जिसका नाम है रूमी वन अगला यहाँ पर देखते हैं दोस्तों न्यूज जो वन लाइनर है वो है विच न्यूक्लियर मिसाइल सबमरीन वॉज कमीशनड बाई डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह तो आई अरिघात को कमीशन कर दिया गया है यानी कि तो इसको ठीक से समझ लेते हैं आई एन एस अरिघात के बारे में जो बातें कह रही हैं देखिए जब भी किसी मिसाइल को कमीशन किया जाता है तो ऐसे समझ लो कि उसको जलावतरण किया जा रहा है या उसको यूज के लिए किसी सेना को सौंपा जा रहा है ठीक है और जब डी कमीशन किया जाता है तो समझ लो कि वो शिप या वो चीज आई एन एस जिसके बारे में बात हो रही है वो रिटायर हो रहा है यानी कि उसको अब फर्दर यूज नहीं किया जाएगा तो आई एन एस अरिघात को कमीशन किया गया है डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह के द्वारा जो कि एक न्यूक्लियर मिसाइल सबमरीन है ठीक है यानी कि परमाणु मिसाइल पंडुब्बी है अगला है रीसेट प्रोग्राम आर ई एस सी टी प्रोग्राम लॉन्च बाय डॉक्टर मनसुख मांडविया डेट तो रीसेट प्रोग्राम है जो कि किसको एम करता है तो एम्पावरिंग रिटायर्ड स्पोर्ट्स पर्सन विद कैरियर स्किल्स ऐसे रिटायर आ, 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 खेल खिलाड़ियों को उनके करियर कौशल को सशक्त बनाना है बेसिकली एम्पावर करता है रिटायर स्पोर्ट्स पर्सन को और उनके कैरियर स्किल्स को जो है सशक्त बनाना है एक तरीके से ठीक मतलब रिटायरमेंट के बाद भी वो किस तरह से काम आ सकते हैं उनको एम्पावर करना है ठीक है व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोजेक्ट नमन लॉन्च बाय इंडियन आर्मी तो मैंने आपको बताया भी था फिर से यहाँ पर देख लेते हैं कि प्रोवाइडिंग सपोर्ट टू डिफेंस पेंशनर्स एंड वेटरन्स वाया स्पर्स इनेबल्ड सर्विस सेंटर्स तो जो नमन स्कीम है प्रोजेक्ट नमन है सॉरी प्रोजेक्ट नमन है स्कीम नहीं है तो प्रोजेक्ट नमन जो लॉन्च किया गया है इंडियन आर्मी के द्वारा पहले तो ये याद रखिए कि इंडियन आर्मी के द्वारा लॉन्च किया गया है और दूसरा किस लिए लॉन्च किया गया है तो जो भी जो भी आपके आ, आ, सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए लॉन्च किया गया है डिफ़ेंस पेंशनर को यानी कि रक्षा पेंशन भोगी जो हैं और वेटरन्स को जो भी दिग्गज हैं और भूतपूर्व सैनिक हैं उनको स्पर्श इनेबल्ड सर्विस सेंटर के माध्यम से स्पर्श सक्षम सेवा केंद्रों के माध्यम से जो है सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए इस नमन स्कीम को लॉन्च किया गया है इंडियन आर्मी के द्वारा अगला जो न्यूज़ है वो है हु बिकेम ईरान्स फर्स्ट फीमेल गवर्नर्स स्पोक्स तो ईरान की पहली जो है आ, गवर्नमेंट की स्पोक्स पर्सन कौन बनी है जिनका नाम है यहां पर फतेमे मोहा जेरानी तो नाम याद रखिएगा ये ईरान की पहली सरकारी प्रवक्ता बन गई है ठीक है जो कि महिला है तो पहली महिला सरकारी प्रवक्ता बन गई है फतेमा मोहा जेरानी ठीक है थोड़ा कलर डार्क कर लेते हैं ठीक से नहीं आ रहा है चलिए अगली न्यूज देख लेते हैं हु वॉज अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ टेक्सास इकोनॉमिक डेवलपमेंट कॉरपोरेशन टी ईडीसी तो टेक्सास इकोनॉमिक डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के कौन चेयरमैन बने हैं तो अरुण अग्रवाल जो भारतीय मूल के हैं उनको जो है वहाँ टेक्सास इकोनॉमिक डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का चेयरमैन बनाया गया है ठीक है विच टू इंडिविजुअल्स वर ऑनर्ड एज यूथ आइकन्स बाई फिक्की फिक्की के द्वारा uh, किन दो व्यक्तियों को या व्यक्तिगत लोगों को ऑनर्ड uh, किया गया है सम्मान प्रदान किया गया है यूथ आइकन के रूप में तो पहले है आयुष्मान खुराना और दूसरे है नीरज चोपड़ा इन दोनों लोग को दो uh, व्यक्तियों को यूथ आइकन के तौर पर फिक्की ने सम्मान दिया है ठीक है विच स्टेट टूरिज्म वॉन द पाटा गोल्ड अवार्ड टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर तो कौन से राज्य का जो टूरिज्म है ठीक है वो पाटा गोल्ड अवार्ड जीता है तो केरला का टूरिज्म जो है पाटा गोल्ड अवार्ड जीता है स्टेट टूरिज्म ठीक है विच सिटी वॉज नेम्ड एशियाज न्यू बिलेनियर कैपिटल इन द हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2024 तो मुंबई जो है एशिया की नई बिलेनियर कैपिटल है हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2024 में ठीक है तो याद रखिएगा इसको ये एशिया की नई बिलेनियर कैपिटल ठीक है ये आपकी मुंबई बन के आई है हुरुन इंडिया रिच लिस्ट में अगला है कि हु ऑन द इंडियन नेशनल चेस चैम्पियनशिप टाइटल इन ट्वेंटी टू हैंड ट्वेंटी फोर तो कार्थिक वेंकट रमन अब देखिए इसमें कन्फ्यूज़न क्या हो सकता है कि अगर यहाँ पर प्रज्ञानंद का नाम दे दिया जाए और चेस चैंपियनशिप दे दी जाए तो मोस्टली लोग जो है प्रज्ञानंद आर को ही लगा देंगे टिक लेकिन यहाँ पर जो इंडियन नेशनल चेस चैंपियनशिप हुई है 2024 का जो टाइटल है वो कार्तिक वेंकट रमन को मिला है तो ये काफी इंपॉर्टेंट और ट्रिकी क्वेश्चन हो जाता है इसको जरूर याद रखिएगा कि इंडियन नेशनल चेस चैंपियनशिप दो कार्तिक वेंकट रमन ने जीती है हु इज द इंडियाज फर्स्ट सिविलियन स्पेस टूरिस्ट तो गोपीचंद कुरा जो है वो पहले सिविलियन स्पेस टूरिस्ट हैं मतलब स्पेस में इनको जाने का मौका मिल रहा है और सामान्य व्यक्ति हैं हैं एज टूरिस्ट जा रहे गोपी चंद कुरा। तो जुलाई अगस्त वाले न्यूज में इनको भी कवर किया गया था फिर भी थोड़ी बातें बता दे रहा हूं मैं इनको कि अप्रैल के महीने में जेफ बेजोस के द्वारा ओन्ड की हुई एक कंपनी है जिसका नाम है ब्लू ओरिजिन और जिसने अनाउंस किया था कि हम छे क्रू मेंबर को हम भेजेंगे स्पेस में ठीक है तो ये राकेश शर्मा के बाद दूसरे ऐसे व्यक्ति होंगे जो कि स्पेस में जा रहे हैं गोपी थोटा कुरा जी जो कि पेशे से एक एंटरप्रेन्योर है और साथ में पायलट भी हैं ठीक है ठीके? लेकिन ये पहले व्यक्ति होंगे जो आपका घूमने जा रहे हैं यानी कि स्पेस टूरिस्ट के रूप में जा रहे हैं ठीक है ठीके? तो ये चीज़ याद रखनी है दूसरे व्यक्ति होंगे जो कि स्पेस में जा रहे हैं भारत की ओर से और पहले ऐसे व्यक्ति होंगे जो एज ए स्पेस टूरिस्ट जा रहे हैं जेफ बेजोस की कंपनी ब्लू ओरिजिन में छह क्रू मेंबर जा रहे हैं जिसमें से एक गोपीचंद थोटा कुरा भी है अगली न्यूज देखते हैं कि रिसेंटली हाउ मेनी न्यू डिस्ट्रिक्ट वर क्रिएटेड इन लद्दाख कितने डिस्ट्रिक्ट जो है लद्दाख में बनने की आ, घोषणा हुई है तो पांच टोटल डिस्ट्रिक्ट काफी शोर शराबे वाली न्यूज थी तो ऐसी न्यूज नहीं पूछी जाती है विच न्यू पोर्टल वॉज लॉन्च टू इनहांस वर्क प्लेस सेफ्टी फॉर वुमेन इन टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर तो शी बॉक्स पोर्टल करके एक पोर्टल चलाया गया है जो कि इनहांस वर्क प्लेस सेफ्टी फॉर वुमेन प्रदान करती है अर्थात कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा से रिलेटेड जो है ये एक पोर्टल चलाया गया है जिसका नाम है शी बॉक्स पोर्टल विच इंडियन एथलीट वॉन अ ब्रॉन्ज मेडल एट द टू थाउजेंड इन द वीमेंस 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग एस इवेंट तो ये थोड़ा सा अलग है टेन मीटर राइफल में मनु भाकर भी जीती हैं लेकिन ये जो है वो टेन मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग एस एच वन इवेंट में पैरालंपिक में कौन सी महिला जीती है ब्रॉन्ज मेडल तो उनका नाम है मोना अग्रवाल ठीक है अवनी लखेरा का भी नाम आएगा वो भी हम लोग आगे देखेंगे लेकिन मोना अग्रवाल का फाइनली आप लोग नाम याद रखिए एस एच वन इवेंट आपका टेन मीटर एयर राइफल में जीती हैं ये पैरालंपिक्स में अगली न्यूज़ है द वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी कम्प्राइजेज कंप्राइज ऑफ रिप्रजेंटेटिव फ्राम ट्वेंटी वन स्टेट पार्टीज ऑफ द वर्ल्ड हेरीटेज कन्वेंशन नाइनटीन नाइनटी टू मतलब वर्ल्ड हेरीटेज कमेटी के अंदर जो है कंप्राइज करते हैं यानी कि मिल करके कितने रिप्रेजेंटेटिव से बनी हुई है तो इक्कीस स्टेट पार्टीज़ जो कि वर्ल्ड हेरीटेज कन्वेंशन के अंतर्गत आती हैं उनसे मिलकर के वर्ल्ड हेरीटेज कमेटी जो है बन रही है या बनी हुई है इंडिया इज नाउ एट विच पोजिशन ग्लोबली फॉर द मोस्ट नंबर ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज प्रॉपर्टीज़ तो वैश्विक रूप से विश्व धरोहर प्रॉपर्टीज़ की अगर बात की जाए तो भारत चौथे नंबर पर आता है तो भारत आता है छठवें नंबर पर द सिक्स पोजीशन वर्ल्ड हेरिटेज प्रॉपर्टीज़ में अगला है हु इनोग्रेटेड द इंडियाज़ फिफ फाइव हंड्रेड कम्युनिटी रेडियो स्टेशन तो भारत के पाँच सामुदायिक रेडियो स्टेशन को किसने आपका शुभारंभ किसने किया इनोग्रेट किसने किया तो यूनियन मिनिस्टर श्री अश्विनी वैष्णव ने पाँच सौवें सामुदायिक रेडियो स्टेशन का इनोग्रेशन किया है ठीक है अगला है नेशनल मिशन ऑन कल्चरल मैपिंग एन एम सी एम इज़ ए स्कीम एडमिनिस्ट्रेटेड बाई विच मिनिस्ट्री तो जैसा कि कल्चरल मैपिंग करने की बात चल रही है तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ऑफ कोर्स यही मिनिस्ट्री होगी तो सांस्कृतिक मंत्रालय ने कल्चरल मैपिंग के नेशनल मिशन ऑन कल्चरल मैपिंग की शुभारंभ किया है या उसको एडमिनिस्टर कर रहा है यानी कि उसकी देखरेख कर रहा है ठीक है विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च राजीव गांधी सिविल अभ्याक्षतम स्कीम तो अभ्या हस्तम लिखा हुआ है मैं थोड़ा गलत पढ़ दिया हूँ तो कौन सा गवर्नमेंट है स्टेट गवर्नमेंट जिसने राजीव गांधी सिविल अभ्या हस्तम स्कीम स्टार्ट की है तो तेलंगाना वो राज्य है जो राजीव गांधी सिविल अभ्या हस्तम स्कीम स्टार्ट किया है ठीक है तो ये भी पॉइंट याद रखेंगे अगला जो है वो है विच इंडियन स्टेट हैज़ मेड इट मैंडेटरी फॉर टूरिस्ट व्हीकल टू कैरी गार्बेज बैग्स जो भी कौन सा इंडियन स्टेट है जो कि मैंडेटरी कर दिया है बिल्कुल अनिवार्य कर दिया है किसी भी टूरिस्ट व्हीकल के लिए गार्बेज बैग्स उनको लाना पड़ेगा यानी कि टूरिस्ट व्हीकल में गार्बेज बैग्स होने चाहिए ऐसी चीज़ें बिल्कुल अनिवार्य कर दी गई हैं सिक्किम के द्वारा देखिए सिक्किम बहुत ही साफ़ सुथरा स्टेट है ये केवल कहने की बात नहीं है मेरा खुद का भी एक्सपीरियंस है और कभी अगर आपको जाने का मौका मिले तो सिक्किम जरूर जाइए सिक्किम में आप देखेंगे कि लोग कितने रिस्पॉन्सिबल हैं तो इंदौर के बाद मैंने जो दूसरा स्टेट देखा वो देखा सिक्किम सॉरी इंदौर तो खैर मध्य प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है लेकिन पूरा का पूरा सिक्किम आप देखोगे कि बहुत साफ सुथरा है कहीं भी कोई गंदगी नहीं है लोग बहुत रिस्पॉन्सिबल हैं वहाँ का ट्रैफिक सिस्टम आप देखोगे तो बहुत बहुत ज़्यादा लोग इन्वॉल्व है अपने स्टेट की सफाई को लेकर सड़क सुरक्षा को लेकर के और हर एक आदमी आपको बहुत ही कोऑपरेटिव मिलेगा वहाँ पर ठीक है कोऑपरेट करने वाला अगली न्यूज़ देखते हैं दोस्तों ठीक है हाँ यहाँ पर अगली न्यूज़ देखते हैं आप लोग कमेंट में जरूर बताते रहो यार एक सेकंड पॉज लेकर के कि क्या लेक्चर अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है ठीक है ये फीडबैक जानना बहुत जरूरी होता है किसी भी टीचर के लिए तो जो अगली खबर हम लोग कवर कर रहे हैं वो है विच कंट्री हैज़ रिलीज द वर्ल्ड्स फर्स्ट कमोमरेटिव पोस्टेज स्टैम्प ऑफ रामलला ऑफ अयोध्या तो वो कौन सी कंट्री है जिसने पोस्टल स्टैम्प या डाकघर वाला जो स्टैंप टिकट होता है वो स्टार्ट किया है तो लाओस ने स्टार्ट किया है जिसको लाओ पीपल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक या एल पी डी आर भी कहा जाता है ठीक है तो याद रखिएगा ऑफ अयोध्या का इन्होंने डाक टिकट स्टार्ट किया है ईस्ट एशिया समिट फॉरन मिनिस्टर्स मीटिंग कहाँ हुई है तो वियंतियाने हुई है जो कि लाओस की कैपिटल है तो चौदहवीं चो, हुई, हुई है पूर्वी एशिया uh, विदेश मंत्रियों की एक मीटिंग हुई है या उनका शिखर सम्मेलन हुआ है वियंतिया ने लाओस में यह संपन्न हुआ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज स्टार्टेड अ न्यू टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी इनिशिएटिव विद विच कंट्री तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भारत सरकार ने एक नई टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी यानी कि तकनीकी सुरक्षा का इनिशिएटिव uh, स्टार्ट किया है किस कंट्री के साथ मिलकर के तो यूनाइटेड किंगडम के साथ यूके के साथ मिलकर के एक न्यू टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी इनिशिएटिव दैट इज आल्सो कॉल्ड टीएसआई स्टार्ट किया है भारत सरकार ने यूनाइटेड किंगडम के साथ मिलकर के विच टू टेनिस प्लेयर कौन से दो टेनिस के खिलाड़ी हैं बिकेम फर्स्ट एशियन मेंटर बी इंडक्टेड इन टू टेनिस हॉल ऑफ फेम जिनको जो कि पहले एशियन बने हैं एशियन मेंटर बने हैं जिनको टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है तो पहले इंडियन टेनिस प्लेयर हैं जिनका नाम है लियंडर पेस और दूसरे हैं विजय अमृतराज ठीक है इन दोनों ही टेनिस प्लेयर को पहले एशियन मेंटर के तौर पर टेनिस हॉल ऑफ़ फ़ेम में शामिल किया गया है ठीक है विच कंट्री रिसेंटली डिक्लेयर एनिमल हेल्थ इमरजेंसी आफ्टर न्यू कैस्ट्रल डिजीज केस तो न्यू कैस्ट्रल में एक नया केस आया जिसके बाद वहाँ पर एनिमल हेल्थ इमरजेंसी यानी कि पशु के लिए पशु के स्वास्थ्य की इमरजेंसी घोषित कर दी गई है तो ब्राज़ील के अंदर ऐसा हुआ है वहाँ पर न्यू कैस्ट्रल डिजीज केस आने के बाद जो है एनिमल हेल्थ इमरजेंसी घोषित की गई है हु हैज़ बीन री एलेक्टेड टू द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी फॉर ए सेकेंड टर्म तो नीता अंबानी को uh, पुनः जो है वहाँ पर इलेक्ट कर दिया गया है निर्वाचित कर दिया गया है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी uh, के तौर पर तो ओलंपिक कमेटी में बहुत सारे मेंबर होते हैं जिसमें से नीता अंबानी एक हैं और थॉमस बाक, बाक जो है थॉमस बाक उनको वो जो है चेयरमैन या अध्यक्ष है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के चौथी बार ठीक है व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द लेटेस्ट हैनले पासपोर्ट इंडेक्स तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में अभी भारत की जो रैंकिंग है वो बयासीवीं है इंडियन पासपोर्ट अलाउज़ इंडिया वीज़ा फ्री टू मतलब इंडिया का जो पासपोर्ट है वो कितने कंट्रीज में फ्री वीज़ा अलाउ करता है इंडियंस को तो अट्ठावन कंट्रीज ऐसी हैं जो कि फ्री वीजा देती हैं इंडियन पासपोर्ट पे ठीक है जो बिडेन या जो बाइडेन हैज इंडोस्ड वूम एज डेमोक्रेटिक कैंडिडेट फॉर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन ऑफ यूएसए चूंकि जो बाइडेन आपको पता भी होगा कि जब डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर हमला हुआ तो वो सशक्त रूप से खड़े हुए और uh, उसी के साथ ही जो बाइडेन अपना जो राष्ट्रपति पद का प्रत्याशी थे वो तो उन्होंने अपने आप को बैक किया और किसको आगे किया तो जो वाइस प्रेसिडेंट थी यूएसए की कमला हैरिस उनको जो है इंडोर्स कर दिया उनका ऐड कर दिया एज ए डेमोक्रेटिक कैंडिडेट के रूप में यानी कि मुख्य व्यक्ति के रूप में जो कि यूएसए की, की प्रेसिडेंट बन सकती हैं या उनको एज ए क्या बोला जाएगा चुनावी दल का प्रत्याशी के रूप में इंडोर्स कर दिया ठीक है तो यूएसए की कमला हैरिस जो है जो कि अभी वाइस प्रेसिडेंट भी हैं उनको नेक्स्ट कहता है कि हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट अम्बेजर ऑफ इंडिया टू द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका तो यूएसए में जो भारत के राजदूत होंगे वो कौन होंगे तो श्री विनय मोहन क्वात्रा जो है वो यूएसए में भारत के नए राजदूत अपॉइंट हुए हैं इंडियाज एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर भारत के जो विदेश मामलों के मिनिस्टर हैं मंत्री हैं एस जयशंकर ने इनाग्रेट किया है इंडियाज़ फर्स्ट ओवरसीज़ जन औषधि केंद्र इन विच कंट्री तो भारत की पहली ओवरसीज़ यानी कि विदेश में कोई शाखा जन औषधि केंद्र की तो किस देश में ये चीज़ खोली गई है तो मॉरिशस में ये खोला गया है जो फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर हैं एस जयशंकर के द्वारा अगला है कि विच मिनिस्ट्री होस्टेड द 2024 वर्ल्ड हेरिटेज यंग प्रोफेशनल फोरम ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा पहला विश्व धरोहर यंग प्रोफेशनल या पेशेवर फोरम स्टार्ट किया गया है या होस्ट किया है किस कंट्री ने तो, तो किस मिनिस्ट्री में तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अगला है कि रिसेंटली इंडिया हैज़ बीन इलेक्टेड एज द वाइस चेयर ऑफ सप्लाई चेन काउंसिल तो ये न्यूज उतनी इम्पोर्टेंट नहीं स्किप कर सकते हैं अगला है कि हु रिसेंटली लॉन्च द नेशनल अप्रेंटिस एंड ट्रेनिंग स्कीम ओ पोर्टल तो किसने अभी नेशनल अप्रेंटिस एंड ट्रेनिंग स्कीम दो दशमलव एक पोर्टल स्टार्ट किया है तो ये भी जुलाई अगस्त की न्यूज में हमने कवर किया था तो ये यूनियन मिनिस्टर फॉर एजुकेशन धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा जो है लॉन्च किया गया है आ, इस स्कीम का नाम है राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रशिक्षण योजना ठीक है राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रशिक्षण योजना अगला है हु टूक चार्ज एज ए चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया तो सिडबी का किसको चेयरमैन अध्यक्ष और मैनेजिंग डायरेक्टर यानी कि महानिदेशक भी नियुक्त किया गया है तो मनोज मित्तल को नियुक्त किया गया है सिडबी का चेयरमैन और एमडी ठीक है तो प्रबंधक जो है प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है हु रिलीज अ रिपोर्ट टाइटल द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड फॉरेस्ट किसके द्वारा स्टेट ऑफ द वर्ल्ड फॉरेस्ट रिपोर्ट रिलीज की जाती है तो फाव के द्वारा की जाती है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा स्टेट ऑफ द वर्ल्ड फॉरेस्ट तो विश्व वन स्थिति रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है फाव के द्वारा जारी की जाती है और भारत की जो वन स्थिति रिपोर्ट है वो किसके द्वारा जारी की जाती है ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओगे ठीक है विच कैपिटल बिकम द फोर्थ स्टेट कैपिटल इन द नॉर्थ ईस्ट टू बी कनेक्टेड बाय रेल लिंक बाय नेक्स्ट ईयर इन 2025 तो मिजोरम का आइजोल जो है वो चौथा स्टेट कैपिटल होगा जिसको कि नॉर्थ ईस्ट में कनेक्ट किया जा रहा है रेल लिंक के द्वारा और कर दिया जाएगा दो तक तो मिजोरम का आइजोल वो uh, स्थान होगा या शहर होगा जिसको uh, रेल नेटवर्क के द्वारा जोड़ा जा रहा है ठीक है तो यहाँ तक थी वन लाइनर न्यूज़ अब हम लोग की जो न्यूज स्टार्ट हो रही है वो नेशनल अफेयर्स की न्यूज स्टार्ट हो रही है जो कि आपके चौथे पेज से लेकर के आप देखोगे तो टोटल यहां पर आठवें पेज तक है यानी कि चार पेज की जो है नेशनल न्यूज़ भी दी हुई है तो इसको भी हम लोग कवर करेंगे लेकिन नेक्स्ट वीडियो में धीरे धीरे कवर करेंगे तब तक आई दृष्टि भी आ जाएगी तो आप लोग बताइएगा कि जो पहला सेक्शन हमने कवर किया है वो आपको कैसा लगा और साथ ही अगर कोई फीडबैक है तो वो भी आप लोग जरूर दीजिएगा अभी तक के लिए धन्यवाद कल फिर मिलते हैं